आज मैं मौजूद हूँ UET, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। टेस्ट फ्लोर किस लिए यूज होता है? डिफरेंट जो फुल स्केल एलिमेंट है, हम इस पे टेस्ट कर सकते हैं। हम भरपूर तौर पे स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहे हैं ताकि कल को वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकें। सर, ये बताइएगा कि केमिकल इंजीनियरिंग कितनी ज्यादा जरूरी है? केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो तो बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए। इस डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या रोल है UET में? जब हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद। UET के डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जो इमर्जिंग सूरत हाल है उसमें फीमेल इंजीनियर उनका नंबर बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में इसे मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये मुगलपुरा में यहाँ पे बनाई गई है। चलिए आज मैं आपको यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट्स का विजिट करवाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह UET अपना टेक्नोलॉजी में किरदार निभा रहा है। तो चलिए मेरे साथ। पाकिस्तान की माया नास तारीखी अहमियत व हैसियत की हामिल बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अलमारूफ UET का आगाज आज से एक सदी कबल 1921 में इस वक्त के गवर्नर एडवर्ड लिस मैक्लेगन की जेर निगरानी बहसियत मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज किया गया था। '1923 को इसमें बेहतरी लाते हुए टेक्निकल से मैक्लेगन इंजीनियर कॉलेज का दर्जा दिया गया, जबकि 1961 में तौसी के बाद ये वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहलाई। 1971 में इस तालीमी इदारे को वस्त देते हुए इसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर रखा गया। जी, मैं मौजूद हूँ UET के टेस्ट फ्लोर पे। अब ये टेस्ट फ्लोर क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सफीर साहब। जी सलाम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल। सर, ये बताइएगा ये टेस्ट फ्लोर किस लिए यूज़ होता है? हाँ जी, टेस्ट फ्लोर बेसिकली जैसे कि नाम से ये जाहिर हो रहा है कि ये टेस्ट फ्लोर है। किसी भी किस्म का जो लोड है उसका जो रिएक्शन लेने के लिए हम फ्लोर यूज़ करते हैं उसको टेस्ट फ्लोर कहते हैं। ये हमारी जो लैब है वो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम इस टेस्ट फ्लोर को यूज़ करके डिफरेंट जो फुल स्केल एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल प्रीकास्ट पाइप एलिमेंट, फॉर एग्जांपल फुल स्केल वॉल सिस्टम, हम इस पे टेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये कुछ रिएक्शन फ्रेम्स भी है। इन रिएक्शन फ्रेम की मदद से हम इसके ऊपर लोड लगाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर, और रिएक्शन इस लोड का रिएक्शन जो है नीचे फिर हम फ्लोर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सर, ये एलिमेंट्स को यहाँ पे स्पेशली क्यों टेस्ट किया जाता है? लाइक ये जो होल्स बने हुए हैं इनमें क्या किया जाता है? बेसिकली जब हम सैंपल को यहाँ पे रख लेते हैं तो सैंपल को एंकरिंग करना पड़ता है फ्लोर के साथ। तो सैंपल की एंकरिंग के लिए हम लोग जो है बेसिकली बोट नट बोट के थ्रू इसको जो है वो टाइट करते हैं ताकि हमारा जो सैंपल है और फ्लोर जो है वो एक तरह एक्ट करे, और फिर हम ऊपर से लोड इसके ऊपर लगा। ठीक है सर, स्टूडेंट्स को भी यहाँ बुलवा के एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स बेसिकली ये लैब है ही बेसिकली टू पर्पज़ के लिए है। एक हम यूज़ करते हैं फॉर रिसर्च पर्पजेज जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट करते हैं, और सेकंड हम जो करते हैं बेसिकली यहाँ पे कमर्शियल टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। तो ये दो पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, फॉर स्टूडेंट एज वेल एज फॉर इंडस्ट्री पीपल के लिए भी हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, उनसे जानते हैं UET के हवाले से और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से भी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। स्टडी कर रहे हैं आप यहाँ पे? 2017 से। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से हमें बताइएगा। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये है कि प्रैक्टिकल आप देखें, अगर सिविल से रिलेटेड कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन होती है तो आपको प्रैक्टिकली नज़र आ रहा होता है, तो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलती हैं, यही इसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज हो रहा है। सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से हमारे ऑडियंस को बताइएगा कि ये बेसिकली होती क्या है और इसको किस तरह से अंजाम देते हैं आगे आप फील्ड में जाते हैं।
सिविल इंजीनियरिंग बेसिकली मदर है ऑल इंजीनियरिंग्स की। इसमें थ्री मेजर डिवीजन्स है, जिसमें आपकी हाइड्रोलिक्स आ जाती है जो वाटर से रिलेटेड है, देन हमारे पास जियोटेक आ जाती है जो सोइल से रिलेटेड है, एंड देन स्ट्रक्चर्स आ जाती है जिसमें बिल्डिंग्स है हमारे पास और ब्रिजेज है। जी मेरे साथ मौजूद हैं डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के डीन डॉक्टर खालिद फारूक साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सलामकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बेसिकली क्या करवाया जाता है और ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग के लिए? सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है यूटी लाहौर का इज एस्टैब्लिश्ड इन 1939। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं तकरीबन हम 200 स्टूडेंट्स लेते हैं। तो जो आप देखते हैं कि पूरे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिविल इंजीनियर ही बनाते हैं। तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, जो हर साल 200 ग्रेजुएट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो जितने भी इस वक्त हमारे पंजाब के और पाकिस्तान के जो टॉप पोजीशन पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में लोग मौजूद हैं वो हमारे एलुमनाई हैं और दे आर वेल इक्विप्ड। उनमें क्रिटिकल थिंकिंग हम प्रोड्यूस करते हैं और अपने करिकुलम के ज़रिए से, और एक अच्छा इंजीनियर बनाते हैं ताकि जो मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एफिशिएंट तरीके से डिज़ाइन करें और उसको ऑपरेट करें और मेंटेन भी करें। तो इसके लिए डिपार्टमेंट के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने पिछले कुछ सालों से जो हमारे एलुमनाई हैं जो इस वक्त टॉप पोजीशन पे हैं कंट्री में, उनसे हमने नेटवर्किंग की है और उनको हमने कनेक्ट किया है, और उन्होंने ये जहाँ भी इस ऑफिस में हम इस वक्त बैठे हुए हैं और जो क्लासरूम आपने देखे हैं वो उनकी जनरस डोनेशन से हमने किए हैं, और वो दे आर वेरी काइंड टू द यूनिवर्सिटी एंड टू द डिपार्टमेंट। ठीक है सर, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या जिद्दत लाई गई है इस वक्त? इस वक्त मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करूं, जैसे मैंने बता दिया कि हमारी तमाम जो क्लासरूम्स हैं, जो लेबॉरटीज़ हैं, दे हैव बीन रेनोवेटेड टू एनी इंस्टीट्यूट इन टू द लेवल ऑफ एनी इंस्टीट्यूट इन द पाकिस्तान। जो करिकुलम है सिविल इंजीनियरिंग का, इस वक्त हमने लेटेस्ट रिवीजन की है पिछली ही एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में, और हमारी जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉरटीज़ हैं उसमें जो स्टूडेंट्स को जो है वो स्किल्स दी जाती हैं। ठीक सर, आप चूँकि माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं तो ये बताइएगा कि आप कैसे समझते हैं कि यूईटी बाकी यूनिवर्सिटी से डिफरेंट है? मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी की जो एक लेगेसी है, बहुत ओल्ड यूनिवर्सिटी है, इट हैज़ कम्प्लीटेड 100 ईयर्स। तो और इसी तरह जो डिपार्टमेंट है हमारा वो भी एक ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि चूँकि ऑल अराउंड दी पाकिस्तान हमारे एलुमनाई जो हैं वो की पोजिशन पर काम कर रहे हैं, तो इस लिहाज से ये यूनिवर्सिटी के लिए प्राइड है, और मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ है इस लिहाज से। जी मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मेरे पीछे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा और ये मैप दिया गया है यूएन डेवलपमेंट गोल्स की जानिब से, और आप देख सकते हैं कि इसके साथ ही यहाँ पे लिखा गया है कि ये फीमेल्स से एफिलिएट है इंजीनियरिंग सोसाइटी यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट का विज़िट करवाती हूँ और आपको यहाँ के जो HOD हैं, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, उनका भी उनके साथ भी आपका तारुफ करवाती हूँ। जी मेरे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर ज़हीर। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं केमिकल डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सर सलामकुम। सर ये बताइएगा कि केमिकल इंजीनियरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और कितना इंपॉर्टेंस रखती है ये? मेरा ख्याल है कि केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो तो बैकबोन है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि दैट इज़ लिंक्ड विद द लॉट ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, और किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका शोबा किसी से ढका छुपा नहीं है, उसका जो है वो फ्लरिश होना बहुत ज़रूरी है। और केमिकल इंजीनियरिंग जो है
दैट इज द मदर ऑफ प्रोसेस इंडस्ट्री। ठीक है सर, यहाँ पे किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं? इस लैब में जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये दैट इज लिंक विद द हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें हमारे पास रिसर्च बेस्ड इक्विपमेंट्स भी हैं और एजुकेशनल इक्विपमेंट्स भी हैं, जिन पे BSc और MSc जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सेमेस्टर्स में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें। ठीक है सर, ये जो मेरे पीछे मशीन्स लगी हुई हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये मशीन स्पेशली जो है, ये स्टीम पावर साइकिल है और ये स्टूडेंट्स को हम लोग 6 सेमेस्टर में करवाते हैं। तो इसमें हम लोग जो है ये उनको ये बताते हैं कि हाउ द इंजन इज़ वर्क एंड जो पावर जनरेशन है वो किस तरह होती है। तो वो इसका ये छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन है। मेरे साथ मौजूद है UET डिपार्टमेंट ऑफ पॉलीमर एंड प्रोसेसिंग के चेयरमैन डॉक्टर आसिफ साहब, उनसे बात करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सर, सलाम। सर ये बताइएगा कि ये डिपार्टमेंट बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ में है और इस डिपार्टमेंट का यहाँ पे क्या रोल है UET में? जी ऐसे है कि ये पूरे पाकिस्तान में 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उसमें से हम लोग पायनियरिंग और पहले अव्वलीन डिपार्टमेंट हैं। हम लोग मेनली पॉलीमर एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग में प्लास्टिक्स, रबर और कंपोजिट से डील करते हैं। जब हम प्लास्टिक इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद। बहुत बड़ा नंबर है और इसका इकोनॉमी में पाकिस्तान की और फिर GDP में बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसको देखते हुए कि जी ट्रेन मैन पावर चाहिए इस सेक्टर के लिए, ये डिपार्टमेंट 2006 में शुरू किया गया और अभी अपना रोल प्ले कर रहा है। हम लोग इंडस्ट्री को मैन पावर भी देते हैं, रिसर्च भी करते हैं, उनके इश्यूज भी सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, इसको कब कायम किया गया UET? जी ये 2006 में इंडिपेंडेंट डिग्री अवार्डिंग डिपार्टमेंट के तौर पे कायम किया गया। ठीक सर, इसमें अभी तक कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं, मतलब स्टूडेंट्स का क्या रोल है और किस तरह उनका इंटरेस्ट बनता है इस डिपार्टमेंट के अंदर? हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है BS पॉलीमर इंजीनियरिंग, उसमें हम 40 बच्चे लेते हैं हर साल। और उसके बाद हमारा PhD और मास्टर्स प्रोग्राम भी है और उसमें भी हमारे पास 20 से 30 बच्चे आ जाते हैं। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पॉलीमर एंड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में और मेरे साथ यहाँ के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है। जी सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? इर्तिज़ा जावेद। इर्तिज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है UET के साथ, स्पेशली इस डिपार्टमेंट में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है UET के साथ भी ओवरऑल और इस डिपार्टमेंट के साथ भी। फैकल्टी यहाँ की बहुत अच्छी है और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह, और सीनियर्स भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट के हवाले से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या सीखा आपने अब तक? डिपार्टमेंट में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें क्लास में जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, और दूसरी बात ये कि अब जैसे हमारे समर में रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं तो यहाँ पर हम आते हैं तो इंटरनल मिक्सर हमारे पास एक नीचे लैब है तो उसको चलाना लाइक वो एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन है, तो आई गेस कि उसको चलाना जब मुझे आ गया है तो मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मतलब यहाँ टीचर्स ने सिखा दिया हमें वो चलाना, लाइक दैट्स अ ग्रेट थिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट की जानिब हम चलते हैं। जी सलाम अलैकुम, क्या नाम है आपका? मेहरान लतीफ। अच्छा मेहरान, ये बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ इसी यूनिवर्सिटी से, इसी डिपार्टमेंट से, और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। 8 सेमेस्टर मैंने इधर पढ़ा है और लैब्स यूज़ किए हैं, लेक्चर्स लिए हैं, हर टीचर से पढ़ा है, उनका जो है उनका पढ़ाने का मेथड और सारा जो है वो देखे हैं, तो सारा कुछ बहुत अच्छा रहा। जी नाज़रीन, अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ डिबेट करने जा रहे हैं और डिबेट का टॉपिक है कि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ किस तरह फैलती है और क्या फेक न्यूज़ को सच मान लेना जो है वो बच्चों को किस हद तक मुतासिर करता है। तो आइए जानते हैं बच्चों से कि किस तरह से फेक न्यूज़ जो है मुतासिर करती है। आप में से कौन जवाब देना पहले पसंद करेगा? अब सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो हमें डायरेक्ट फ़ौरन हमें पता चल जाता है कि इस जगह पर ये हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सिंध का ज़िला सांगढ़, वहाँ पे एक ऊँट की टांग काटी गई तो वो हमारे पास फ़ौरन पहुँच गया। अगर मेरा नहीं ख्याल कि अगर PTV न्यूज़ होता तो वो हमारे तक पहुँच। जो थॉट प्रोसेस है ना वो हमारे यहाँ ये मेन इशू है कि बच्चों का या जो लोग हैं उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करते हैं
दूसरे की बात सुनी और उसी को आगे कंटिन्यू किया। और जो सोशल मीडिया है वो आजकल जहाँ पर एक ब्लेसिंग की डिस्गाइज, यानी कि अच्छी चीज़ें तो उसके एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो यही हैं कि हम आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ जो ब्लू या ग्रीन कलर में या ब्लू किसी भी कलर में हाईलाइटेड हो गई, हम कहते हैं कि शायद ये बात सच है, ठीक है, और उसमें उसी चीज़ को विदाउट एनी कन्फर्मेशन हम आगे स्प्रेड आउट करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट फॉरवर्ड्स के थ्रू। आई बिलीव कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो आप यू कैन यूज़ इट इन फेवर फॉर यू और यू कैन यूज़ इट अगेंस्ट यू। मतलब ये इट्स लाइक अगर आप उस चीज़ को अपने काम के लिए यूज़ कर रहे हो ना तो इट्स अ बेस्ट थिंग। जैसे एक कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, अगर आप अपना कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, आप अपनी इनफैक्ट आप अपनी अगर आप छोटी सी एग्जांपल ले लें, हम अपनी यूनिवर्सिटी में सोसाइटी के लिए कोई काम करते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हो, आप लोगों से कनेक्शन बना सकते हो। बट ऑन द अदर साइड ये जो अगर आप फेक न्यूज़ वाली बात कर रही हैं उसमें एस्पेक्ट आ जाता है, बहुत सारे जेन्युइन लोग भी होते हैं जो आउट ऑफ देयर वे जाते हैं और आपको एक्चुअल में उनकी इंटेंशन होती है आप तक अच्छी न्यूज़ पहुंचाने की। अब जैसे अगर मैं थोड़ी की ये पॉलिटिकल तो बात नहीं है, जैसे फलस्तीन वगैरह का सब कुछ चल रहा है, अब क्या होता है इंस्टाग्राम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है उन चीज़ों के बारे में बात करने से। बट ऑन द अदर हैंड अब जो फेक न्यूज़ होती हैं वो भी लोग इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं और चीज़ें करते हैं, वो उसका कौन है? मतलब हर चीज़ की यह लिमिटेशन होती है, सीधी बात है। दिस गेम इज़ ऑल अबाउट योर व्यूज़, योर अकाउंट रीच। तो स्टूडेंट्स के लोग क्या करते हैं कि उनको एक न्यूज़ पता चली है वो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसको पैराफ्रेज कर देते हैं। अब वो पैराफ्रेज अपने फेम के लिए करते हैं, उस तरह से करते हैं कि उनको फ़ायदा हो, उनकी रीच बढ़े। अब वो बढ़ाने के लिए वो उसको फेक भी बना देते हैं या खुद से जनरेट कर लेते हैं न्यूज़ को, इसी चक्कर में लोगों तक फेक न्यूज़ पहुँचती है और उसका फ़ायदा उन लोगों को हो रहा होता है, उनको इस चीज़ में कोई गलती नज़र नहीं आ रही। इसका हल यही है कि इंस्टाग्राम जैसे अगर पैलेस्टाइन पे वो बैन लगा सकता है या आपको रोक सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि ये न्यूज़ आप नहीं कर सकते, आपको पोस्ट आती है व्हाई यू सी एंड कंटेंट इज नॉट हियर। जी मेरे साथ मौजूद हैं UET के रजिस्ट्रार मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं यूनिवर्सिटी के हवाले से। जी सामदू सर, कैसे हैं? जी अलग ठीक। यूनिवर्सिटी कब से कायम हुई और इसके कितने कैंपसेज हैं? जी इस अदारे की इस अदारे का जो क़याम है वो मुगलपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से 1921 में हुआ और उसके बाद से ये अदारा मुख्तलिफ अदवार से गुजरा। इसमें इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया, फिर उसके बाद 1961 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इसका नाम था वेस्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर। तो इस तरह से इस वक्त यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेज आला शिकागो, नारोवाल, फैसलाबाद और गुजरांवाला में। ठीक सर, कितने डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त UET में? UET के जिस तरह मैंने बताया कि 5 कैंपसेज हैं तो हर कैंपस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तादाद है। सबसे ज़्यादा जो नंबर है डिपार्टमेंट्स का वो मेन कैंपस में है। यहाँ पे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स भी हैं और इंजीनियरिंग के अलावा साइंसेज में फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़ का डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एंड मैनेजमेंट का भी अदारा है जो बिज़नेस रिलेटेड स्टडीज़ प्रोवाइड कर रही है। जी मैं मौजूद हूँ UET के सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर अनवर लतीफ़ साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं डिपार्टमेंट के हवाले से। जी सर, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, ये बताइएगा कि इस सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी में क्या करवाया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो हम आपको वेलकम कहते हैं अपने सेंटर के अंदर और ये बताते हैं कि ये सेंटर बेसिकली जदीद हाई टेक मशीन्स के ऊपर मुश्तमिल है। आपको पता है कि कोई भी दुनिया में कंट्री जो है वो तरक्की याफ्ता उस वक्त नहीं कहला सकता जब तक वो अपना मटेरियल खुद नहीं बनाता। आप किसी बड़ी बिल्डिंग मटेरियल से शुरू हो जाए और माइक्रो मटेरियल्स में चले जाएं, जैसे ICs की चिप्स बनती हैं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, आपकी बड़ी इंडस्ट्री में आ जाए तो एरोप्लेन इंडस्ट्री है। तो जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं सब अपने मटेरियल्स बना रहे हैं। जो आपको सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल रिसर्च जिसमें अभी आप मौजूद हैं, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि जो भी मटेरियल्स हमारे PhD स्टूडेंट्स, MPhil स्टूडेंट्स या MS स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के
और जो भी इंडस्ट्री बनाए, अब उसको आपने एनालाइज़ करना होता है, उसकी क्वालिटी को एनालाइज़ करना होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को इंश्योर करना होता है कि क्या प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए आप उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, उसको जज करने के लिए, एनालाइज़ करने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है हाई टेक मशीन्स की, क्योंकि उन मटेरियल्स की सरफेस को आप डीपली देख नहीं सकते, ख़ास तौर पर नैनो स्केल के ऊपर। नैनो मीन्स 10^-9 meters। तो यहाँ पे जो आपके पास हाई टेक इक्विपमेंट है, मशीन्स हैं, ये उसको नैनो स्केल पे आपको देख के बता सकती हैं कि इसका स्ट्रक्चर मटेरियल का किस किस्म का है जो आपने बनाया है, ठीक है, आप आया इसको यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जिसके लिए बनाया है आपने। जी सर बताइए कौन सी लैब है और इसमें क्या काम किया जाता है? ये बेसिकली स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लैब कहलाती है। होता ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम जिस भी सैंपल के ऊपर फॉल करती है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करती है और उस सरफेस की तमाम इंफॉर्मेशन लेके आ जाती है। और ये जब इस से हम नैनो स्केल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। ये पाकिस्तान में जो यूनिट्स जर्मन यूनिट्स है और कार्ल ज़ाइस एक बड़ी मशहूर कंपनी है जर्मन, उससे हमने ये इसको परचेज़ किया है। और इसमें हम आपको एक चीज़ जो बड़ी वाजे दिखाना चाह रहे हैं, ये एक चींटी है जिसको दिखाया जा रहा है और उसकी आंख को बड़ा करके इसने मैग्नीफाई करके दिखाया। तो आप यहाँ से मशीन की कैपेबिलिटी देख सकते हैं कि ये रिजॉल्विंग कर सकती है, उसकी आँख को बता सकती है कि इसकी आँख के अंदर क्या चीज़ है और इतना बड़ा करके आपको दिखा सकती है कि खरगोश नज़र आ रहा है। जी मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ की सेकंड लैब में। हमने नैनो डिपार्टमेंट की आपको फर्स्ट लैब विज़िट करवाई, अभी सेकंड लैब है, इसके हवाले से भी हम जानते हैं। अनवर साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ये कौन सी लैब है और यहाँ पे क्या चीज़ें करवाई जाती हैं? जी ये लैब जो है वो एक्सरे डिफ्रेक्टोमेट्री लैब कहलाती है। तो बेसिकली ये जो है किसी भी मटीरियल के स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए कि उसके अंदर एटम किस तरह जुड़े हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर किस तरह मिल के बने हैं, तो ये भी बेसिकली मटीरियल एनालिसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि कोई भी मटेरियल आप बना लें जब तक उसका स्ट्रक्चर आपको पता नहीं होगा तो वो आप उस पर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स को जानने के लिए ये बेहतरीन मशीन है। और इसमें हमारे पास ये भी हमने जो है ली है, ये जर्मन कंपनी है DA8 एडवांस, और इसमें आप जो है लेटेस्ट फीचर्स है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह UET में ये आपको डिस्टिंक्शन मिल रही है कि जो भी मशीन्स हमने ली हैं विद ऑल लेटेस्ट फीचर्स ली हैं ताकि रिसर्च में भी कमी पेशी न रहे। ये डॉक्टर जवेरिया मेरे पास साथ, तो ये जो है इन्होंने UET से PhD की हुई है और अभी ये ट्रेनिंग सिंगापुर से लेके आई है इस मशीन। जी नाज़रीन मैं मौजूद हूँ UET के डीन फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज डॉक्टर शाहिद साहब के साथ। इनकी मैं इनसे जानना चाहती हूँ आज इस डिपार्टमेंट के हवाले से, और ये बताएंगे कि इस वक्त जो हमने 3 labs विज़िट किए हैं तो इनका क्या कहना है उन 3 labs के हवाले से। जी सर बताइएगा। ये जो रिसर्चर्स हैं ना, उनका एक ख्वाब होता है कि मटेरियल के अंदर घुस के जाके देखें कि हम अगर कुछ रिसर्च कर रहे हैं, मटेरियल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो क्या हो भी रही है कि नहीं। अब मॉडिफिकेशन डजंट मीन कि आपने कुछ चीज़ों को मिक्स किया और आपने ऊपर से देख लिया है। ये जो मशीनें तीनों हैं ये हमें स्ट्रक्चर बता देती हैं, ऐसे जैसे आप किसी शहर के अंदर से गुजरते हो आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। ये जो खासकर ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये मटेरियल के अंदर से गुजरती है और एटम बाई एटम बता देती है कि कौन सा एटम कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हमने उस एटम को रिप्लेस करना है बाई एनी मीन्स, बाई एनी मटीरियल प्रोसेसिंग, तो हमें वो बता दे दीगा जी रिप्लेस हुआ है कि नहीं हुआ। तो इन सारी मशीनों का सेम आपने देखी, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी, आपने एक्सरे डिफ्रेक्टोमीटर देखा है और आपने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखी। ये हमारा ख्वाब था और HEC की मेहरबानी, हमने उन्होंने पैसे दिए और हमने इसको पूरा किया।
जी मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। मेरे साथ यहाँ के डायरेक्टर मौजूद हैं अली हुसैन काजिम साहब, उनसे जानते हैं यहाँ के डिपार्टमेंट के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम सर। अस्सलामुअलैकुम जी। हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग सेंटर के अंदर हैं। यहाँ पर हमारे पास 9 फैकल्टी मेम्बर्स हैं और हम भरपूर तौर पर स्टूडेंट्स की रहनुमाई कर रहे हैं ताकि कल को वो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में आगे बढ़ सकें। तो हमारे वेरियस एरियाज ऑफ रिसर्च हैं जो कि हम टैकल कर रहे हैं। ठीक, तो सर यहाँ पे किस किस चीज़ के हवाले से रिसर्च करवाई जाती है, कितनी लैब्स बनाई गई हैं इस हवाले से? हमारे पास कोई 11 के करीब लैब्स हैं यहाँ पर और हमारे पास काफ़ी फॉरेन क्वालिफाइड फैकल्टी है और हम गाड़ी के अंदर से लेकर उसके इंजन से लेकर उसके बैरूनी तौर पर जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं यानी मूविंग व्हीकल, उस सब को पढ़ाने में हम कोशिश कर रहे हैं उसको। ठीक है सर, यहाँ से निकल के बच्चों को आगे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जॉब्स के? बच्चों का यहाँ से निकल कर प्लेटफॉर्म बड़ा सिक्योर है क्योंकि पूरे पंजाब के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40 ऑटोमोटिव इंजीनियर्स पैदा होते हैं और सिर्फ UET लाहौर के अंदर से ग्रेजुएट होते हैं जो 40 ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो अब आगे से कंपनियाँ भी हमारे पास अल्लाह का शुक्र है पिछले 10 सालों में बहुत सी बढ़ी हैं और रिसेंट ईयर्स में विद एडवेंट ऑफ EV काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ EV वाली भी आना शुरू हो गई हैं और हमारे छोटे से छोटा ताजर भी अब EV की तरफ यानी EV स्कूटीज की तरफ आना शुरू हो गया, यानी हमारे बच्चों की जॉब प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा है। जी मेरे साथ मौजूद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन असद साहब, से बात करते हैं और जानते हैं कि ये लैब किस हवाले से बनाई गई है। जी सर बताइएगा। जी ये जो लैब है हमारी, अपना शबीर हुसैन साहब बताएंगे, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर, हमारे पास एक्चुअली मैकेनिकल डिपार्टमेंट में ओल्ड एंड कन्वेंशनल एंड न्यू इक्विपमेंट हमारे पास है और हम दोनों तरीके से कन्वेंशनल लाइक थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और ये CNC रिलेटेड इक्विपमेंट भी यहाँ से मौजूद है और मॉडर्न कंट्रोल रोबोटिक्स रिलेटेड और इस सिलसिले में तफसील हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर शबीर हुसैन आपको बताएंगे। जी सर ठीक है। जी सर बताइएगा। दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल मैनुफैक्चरिंग सिस्टम। इट हैज़ द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली पिक डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स बेस्ड अपॉन दियर शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस। द रोबोट कैन लोड इट इन टू डिफरेंट मशीन्स। देन वी हैव अदर CNC machines that is called machining center, turning center. We do have instrumentation and control setup, process controllers, 3D printers, and some student projects which also have. For example, this robotic arm is a student project. जी मेरे साथ मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर डॉक्टर नासिर हयात साहब। सर ये बताइएगा कि UET इस वक्त किस रैंकिंग में शुमार हो रही है? UET जो रैंकिंग है QS रैंकिंग, उसमें 350 बैंड और ये रैंकिंग जो है डिफरेंट है डिपार्टमेंट के हवाले से और एज ए यूनिवर्सिटी। हमारे कुछ प्रोग्राम जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और कंप्यूटर साइंस है, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग है, ये डिफरेंट रैंकिंग है। पेट्रोलियम एंड गैस 100 रैंकिंग के अंदर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 350 बैंड के ऊपर और केमिकल जो कंप्यूटर साइंस जो है वो 250 बैंड पे। जी UET के डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? UET के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एक जो इमर्जिंग सूरत हाल है उसमें फीमेल इंजीनियर उनका नंबर बढ़ रहा है, तो उनके रिलेटेड जो हमने फैसिलिटीज फॉर फीमेल स्टूडेंट्स ओनली की हैं कि 2 हॉस्टल नए बने और जो फर्नीचर और जो IT की डिफरेंट ऑप्शंस हैं वो उनके लिए ने अरेंज की। इस तरीके से फीमेल स्टूडेंट के लिए जो है वो काफ़ी काम किया है। ठीक सर, जो डिपार्टमेंट वर्क है इसको कैसे आगे लेके जा रहे हैं, इसमें अभी तक क्या तरक्की के इकदाम किए जा रहे हैं? डिपार्टमेंट वर्क जो है ना जी, उसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, MSc और PhD, इनके लिए अलग अलग मेजर्स लिए गए हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है उसने एक निज़ाम एक्रेडिटेशन के लिए रिसेंटली अडॉप्ट किया है, OBE उसको कहते हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। तो
तो जो हमारे अंडर ग्रेजुएट के जितने प्रोग्राम हैं यूईटी में और अलाइड कॉलेजेस में कैंपसेस में, वो सारे ओबीई लेवल टू पे एक्रेडिटेड। इसका जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट को ये है कि दे कैन वर्क इन एनी कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। अच्छा, यूईटी जो है वो पाकिस्तान में अपना तरक्की में किरदार कैसे निभा रहा है सर? क्या हुकूमत इसमें हेल्प करती है? यूईटी एक 100 साल पुराना अदारा है और डिफरेंट एजेस में इसने कंट्री को डिफरेंट तरीके से सर्व किया। सबसे पहले रेलवे को सर्व किया क्योंकि ये अदारा बना रेलवे को नीड को कैटर करने के लिए। उसके बाद फिर एक दौर में इरिगेशन पे बड़ा एम्फेसिस, तो जो यहाँ का सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है उन्होंने उसकी गाइडलाइन बनाई, तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है। जितनी इंजीनियरिंग इकानोमी है ना, जो इंजीनियरिंग बेस्ड इंडस्ट्रीज PTCL है, रेलवे है, PIA है या HMC है, तो उन सब में मैकेनिकल इंजीनियर्स केमिकल इंजीनियर का लीडिंग रोल है। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन इंजीनियर्स को जो अपना करियर आगे लेके जा रहे हैं इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग की जो नीड है ना वो ख़त्म नहीं होती, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, लेकिन OBE के बाद वो भी नहीं है अब, क्योंकि जो मिडल ईस्ट है, जो यूरोपियन वर्ल्ड है, अमेरिकन यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो खुली हैं और स्टूडेंट्स जो है वो पीक तक जाने की अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट है, और हमारे स्टूडेंट गए भी हैं पीक तक, बोइंग में काम कर रहे हैं, मर्सिडीज में काम कर रहे हैं। तो एक इंटरनल डोमेस्टिक सूरत हाल है और एक एक्सटर्नल। डोमेस्टिक सूरत हाल में अभी थोड़ी सी ज़रा ना रिसेशन है और इंडस्ट्री उस तरह एक्सपेंड नहीं कर रही जैसे करनी, लेकिन वी होप कि इन फ्यूचर द थिंग्स विल बिकम बेटर एंड इंजीनियरिंग कम्युनिटी विल डू देयर बेस्ट टू सर्व द कंट्री एंड वर्ल्ड एट लार्ज। जी नाज़रीन, हमने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का मुकम्मल विज़िट करवाया और आपको दिखाया कि यहाँ पे किस तरह से टेक्नोलॉजी को आगे ले जाया जा रहा है। मुझे तो तमाम डिपार्टमेंट्स को विज़िट करके बहुत ही अच्छा लगा और हमें नज़र आया कि किस तरह UET पाकिस्तान में अपनी तरक्की का किरदार अदा कर रही है और किस तरह से स्टूडेंट्स को आगे ले जाया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करना और पाकिस्तान से बाहर निकल के जाना UET के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो काबिले तारीफ है। इसके साथ साथ जो है मैंने आपको दिखाया कि किस तरह ऑटोमोटिव जो इंजीनियरिंग है उसमें किस तरह से तरक्की आ रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किस तरह से तरक्की आ रही है। तो अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट सादिया मकसूद को 50 मिनट से इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।